एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की बात करें तो परिणीति चोपड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने अलग से अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी मच अवेटेड फिल्मों में से एक है उनकी आने वाली फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म पहले हॉलीवुड में बन चुकी है, 2016 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में मेन लीड पर थी एमिली ब्लंट और अब एमिली ब्लंट वाला कैरेक्टर ही निभाने वाली है परिणीति चोपड़ा। इस फिल्म को लेकर रिसेंट अपडेट ये है कि रिसेंटली परिणीति चोपड़ा ने इस फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी कर ली है, तो उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने बताया है कि 7 वीक के बाद जब उन्होंने ये शूटिंग पूरी की है उन्हें कैसा फील हो रहा है। तो आइए सबसे पहले इस पोस्ट पर नजर डालते हैं। चलता है कि परिणीति चोपड़ा ने इस कैरेक्टर को अपने अंदर काफी फील किया है और काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हुई है इस कैरेक्टर के साथ। इस कैरेक्टर की बात करें तो परिणीति चोपड़ा एक विडो विमन, एक अल्कोहलिक और एक इन्वेस्टिगेटर का किरदार निभाने वाली है। वाली कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अलग सा है। और अगर हम देखें 2016 में आई फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन की तो एमिली ब्लंट ने इस कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले किया था। वेल, परिणीति चोपड़ा से भी काफी उम्मीदें हैं उनके फैंस को और हमें पूरी उम्मीद है कि परिणीति चोपड़ा उनकी उम्मीद पर खरी उतरेंगी। वहीं अगर हम बात करें उनकी इस फिल्म की तो ये फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रिभु दास गुप्ता। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें परिणीति चोपड़ा की तो परिणीति चोपड़ा ने ये कैरेक्टर को कितने अच्छे से प्ले किया है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा, लेकिन जब से इस फिल्म की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जब से परिणीति चोपड़ा ने ये बताया था और जब से ये पता चला था कि हॉलीवुड की इतनी सुपरहिट फिल्म का ये रिमेक होने वाली है। और आखिर में आपको बता दें कि ये जो फिल्म है पॉल हॉकिंस की लिखी हुई बुक द गर्ल ऑन द ट्रेन पर बेस्ड है जो कि 2015 की बेस्ट सेलिंग बुक भी रह चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितना अच्छा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर।